Hi, this is Dr. Adnan Firoz and I'm a consultant orthopedic surgeon. Today we'll be operating a patient who has sustained a knee injury around 8 months ago. 8 महीने पहले इनकी knee injury हुई थी और fracture हो गया था और यहाँ पे इनके screw लगाए गए थे. Operation के वक्त या operation से पहले इनका जो knee में fracture हुआ था उसमें peroneal nerve जो है वो पूरी completely damage हो गई थी. उस damage की वजह से इनका foot जो है वो ऊपर की तरफ जाता नहीं है. वरुण एक मिनट ऊपर ले जाना पैर को. तो इट इज़ टोटली पैरालिटिक, इट इज़ नॉट गोइंग अपवर्ड्स. लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट्स आप देखेंगे अच्छे हैं. नीचे ले जाओ अवर, तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स आर गुड. और अंदर की तरफ ले जाओ मेरे हाथ में. तो ये दो मूवमेंट, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, ये दो मूवमेंट जिन पेशेंट्स में अच्छे होते हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. फोकस ऑन द पेशेंट. वरुण, इंजरी कब हुई थी नी में? 21 जनवरी को इंजरी हुई थी और ऑपरेट उसी दिन हो गया था नी में. 23 जनवरी. और जिस दिन इंजरी हुई थी उस दिन आपका पैर चल रहा था या ऑपरेशन के बाद से प्रॉब्लम है? ऑपरेशन से पहले हो गया था. जैसे इंजरी हुई थी तो मैं मतलब स्लीपर्स नहीं पहन पाया. स्लीपर नहीं पहना. तो ये बेसिकली जब इंजरी हुई थी इनकी एक्सीडेंट हो गया था तो इनका पेरोनियल नर्व डैमेज हो गया था और उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम होती. तो उस वक्त नी का सर्जरी हो गई थी लेकिन फुट की डिफॉर्मिटी है वो अभी तक ऐसी परसिस्टेंट है. एंड नाउ इट्स बीन आई थिंक अराउंड मोर देन एट मंथ्स. अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं है और टुडे वी आर प्लानिंग टू गो फॉर द ऑपरेशन. तो आज हम लोग ऑपरेशन पोस्ट करेंगे. आई बी ऑपरेटिंग दिस पेशेंट इन दिल्ली टुडे बिकॉज दिस पेशेंट वाज अनेबल टू मेक इट अप टू अलीगढ़. मैंने दिल्ली में पोस्ट करना है इस ऑपरेशन में. थैंक यू.